दोस्तों, हाल ही में संजय दत्त को थर्ड स्टेज का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद संजय दत्त ने इलाज करवाने के लिए शूटिंग से लंबा ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, संजू बाबा की जिंदगी हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरी रही है। अपने जीवन में इन्होंने कई परेशानियों का सामना किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि परेशानी भरे दिनों में संजय दत्त को माँ बाप के बाद किसी का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला तो वो उनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त का है। इसलिए दोस्तों, संजू बाबा ने उम्र का बंधन तोड़कर और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने से 20 साल छोटी मान्यता से शादी रचा ली थी। आज की इस वीडियो में हम आपको मान्यता दत्त की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी हो। दोस्तों, संजय दत्त और उनकी फैमिली के बारे में तो लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी यानी कि मान्यता दत्त के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। मान्यता दत्त का जन्म 22 जुलाई 1979 को मुंबई में हुआ था। मान्यता एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी और उनका असली नाम दिलनवाज शेख है। हालांकि मान्यता की परवरिश दुबई में हुई थी। मान्यता दुबई से मुंबई एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला तो वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थी। दोस्तों, दिलनवाज शेख यानी कि मान्यता जब दुबई से मुंबई आई तो उन्होंने अपना नाम सारा खान रखा। हालांकि KRK की फिल्म देशद्रोही में उनका स्क्रीन नेम मान्यता कर दिया गया था। मान्यता की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो पहले उनकी शादी मिराज उर रहमान से हुई थी, बाद में उनका तलाक हो गया। इसके अलावा मान्यता ने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में एक आइटम नंबर भी किया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। मान्यता और संजय दत्त की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और मान्यता ने फिल्में छोड़ने का मन बना लिया। संजय दत्त जानते थे कि मान्यता ने साल 2005 में बी ग्रेड मूवी लवर्स लाइक अस में काम किया है और वो इससे खुश नहीं थे। दोस्तों, कहा जाता है कि संजय खुद भी नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की फिल्मों में काम करें। इसके बाद संजय दत्त ने मान्यता की इस फिल्म के राइट्स 20 लाख रुपए में खरीद लिए थे। यहां तक कि मान्यता के प्यार में वो इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने मार्केट से इस फिल्म की CD और DVDs हटवाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना ही नहीं, मान्यता ने भी उस वक्त संजय दत्त का बखूबी साथ दिया। जब उन्हें किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मान्यता संजय दत्त की जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी थी। जब संजय जेल में थे तो मान्यता उनसे रोज मिलने जाया करती थी। आपको बता दें कि संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त की उम्र 41 साल है, जबकि संजय दत्त 61 साल के हैं। दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क है। शादी से पहले मान्यता दत्त कई बार संजय के घर जाती और उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करती थी। संजय दत्त ने मान्यता से साल 2008 में शादी की थी। इन दोनों की शादी गोवा में हुई थी। दोनों ने गोवा में 7 फरवरी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी, फिर 11 फरवरी को हिंदी रीति रिवाजों से फेरे लिए। दोनों के दो जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से बेटी का नाम इकरा और बेटे का नाम शहरान है। संजय दत्त ने मान्यता दत्त के साथ तीसरी शादी की है। इससे पहले संजय की 1987 में ऋचा शर्मा से शादी हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी त्रिशाला है, जो कि मान्यता से महज 10 साल ही छोटी है। ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से दूसरी शादी की थी। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2005 में इनका तलाक हो गया था। रिया से तलाक के बाद संजय दत्त अकेले हो गए थे। इसके बाद उनका नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जुड़ा था, लेकिन संजय दत्त जब जेल गए तो माधुरी दीक्षित ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, लेकिन मान्यता दत्त ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और मान्यता उनके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ी रही। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर कर लें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।